कसरावत तहसील के ग्राम माकड़खेड़ा में कोरोना नियमों के अनुपालन में रक्तकोष जिला चिकित्सालय के तत्वावधान में रक्त शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें ग्राम माकड़खेड़ा के मां नर्मदा भक्त मंडल के 41 सदस्यों द्वारा रक्तदान किया गया। मंडल के दिलीप पटेल द्वारा बताया गया कि रक्तदान करने से एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। इसी के साथ मां नर्मदा भक्त मंडल को ब्लड सेंटर खरगोन द्वारा सम्मान में शील्ड एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। शिविर में मंडल के दिलीप पटेल, अनिल पाटीदार, राहुल डोंगरे, गोलू जोशी, दिलीप सेन आदि जन शामिल रहे। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज जो ये ब्लड डोनेशन रखा गया है, किसी संस्था की तरफ से रखा गया है? ये ब्लड डोनेशन हमारा ग्राम माकड़खेड़ा का नर्मदा भक्त मंडल है, उनके हम सदस्यों द्वारा और गांव के युवाओं द्वारा दिया गया है। लगभग कितने हो गए अभी डोनेशन में? ये डोनेशन 30 प्लस जाएगा। 30 प्लस जाएगा से गांव के। अच्छा, ये कोरोना महामारी के चलते आपने इसको दान किया है? हाँ, कोरोना महामारी के चलते हमने आज ब्लड डोनेशन इसलिए रखा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अदर जिनको आज भी ब्लड नहीं मिल रहा है, जो वैक्सीन लगने के बाद दे नहीं पा रहे, तो ब्लड की कमी के कारण हमने ब्लड डोनेशन रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश जोशी, बोलू, ग्राम माकड़। ग्राम माकड़। आज जो ये ब्लड डोनेशन रखा गया ग्राम माकड़खेड़ा में, ये किन की तरफ से? ये माँ नर्मदा सेवा संगठन की तरफ से माकड़खेड़ा गाँव से। कोविड-19 महामारी के दौरान इन लोगों ने जागरूक होकर 30 डोनर अभी तक डोनेट कर चुके हैं, आगे और अभी जारी है, और इससे बहुत ही लोगों की मदद होगी। जैसे अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन हो जाएगा तो लगभग 2 महीने तक कोई भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इस उपलक्ष्य में इनने वैक्सीनेशन के पहले ही ब्लड डोनेट किया है। मैं इनका बहुत ही बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर हेमेंद्र मसाला, ब्लड बैंक अधिकारी, जिला चिकित्सालय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।